हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आरआर एकेडमी फिरोजाबाद। सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आरआर एकेडमी फिरोजाबाद में। तो आज की क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कराने वाले हैं आपको इंडियन इंग्लिश राइटर और उनका नाम है आरके नारायण। ठीक है ना, तो आरके नारायण पर आज डिटेल स्टडी होने वाली है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं। क्लियर है ना, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, शुरुआत से एंड तक पूरा देखेंगे वीडियो को। अगर रियली में आप चाहते हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है, तो पूरा देखेंगे और स्किप करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि स्किप करने से आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए दिया गया यहाँ पे आर के नारायण इंडियन इंग्लिश राइटर, बात करेंगे लाइफ एंड वर्क्स, टोटल बात करेंगे, पूरे तरीके से बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनका जो टाइम पीरियड था, लाइफ ड्यूरेशन थी, वो क्या थी, 1906 से 2001 तक, यानी 1906 से लेकर 2001 तक, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं थोड़ी सी इनके कुछ पर्सनल जो पॉइंट हैं उनको हम याद करेंगे। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था राशिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राशिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, कॉमनली नोन एज आर के नारायण, इन्हीं को हम आर के नारायण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एंड ही वाज एन इंडियन राइटर नोन फॉर हिज वर्क सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। देखिए मोस्टली जो राइटर्स हैं उनमें से कुछ ही गिने चुने राइटर हैं जिन्होंने अपने फिक्शनल टाउन यानी कि रीजनल प्लेसेस का बोल सकते हैं डेवलपमेंट किया है, जिसमें ज़्यादातर उन्होंने अपने वर्क्स को क्रिएट किया है, उन्हीं में से आपके हैं एक आर के नारायण, जिन्होंने एक फिक्शनल प्लेस जिसका नाम है मालगुडी, इसकी रचना की थी, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। आगे पॉइंट दिया गया हमारे सामने पॉइंट नंबर टू, ही वॉज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर 1906। अगर बात जन्म की करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था, इन अ स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के एक छोटे से विलेज में इनका जन्म हुआ था। एंड ही वॉज डेड ऑन 13 मई 2001, और इनकी जो मृत्यु थी वो 13 मई 2001 में हो गई थी, ठीक है। ही वॉज अ लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इनके साथ में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर और रहे हैं आपके इंडियन इंग्लिश राइटर में, तो उसमें नाम है आपका मुल्क राज आनंद का, राजा राव का, अहमद अली का, ठीक है। अगर सभी में बात कर लें हम, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, राजा राव एंड अहमद अली, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मुल्क राज आनंद का। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन राइटर टू डेवलप इंग्लिश इन द अनदर फॉरन कंट्री, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर पे, आर के नारायण्स मदर्स नेम वाज ज्ञान मेंडल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञान मंबल, ठीक है। एंड हिज फादर्स नेम वाज राशिपुरम वेंकट रमन, राशिपुरम वेंकट रमा कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, बहुत ही बड़ा नाम है, आप लोग इसको लर्न कर लेंगे और स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है ना। हो सकता है बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, बट स्पेलिंग लर्न कर लेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट दिया गया है आर के नारायण हैड सेवन शिवलिंग, शिवलिंग का मतलब होता है भाई बहन, उनके जो भाई बहन थे उनकी जो नंबर था वो 7 था, यानी 7 भाई बहन थे, उनमें से 5 भाई थे और 2 बहनें थीं, 5 brothers and 2 sisters। आर के नारायण वाज अ सेकेंड चाइल्ड टू हिज पेरेंट्स, जिस तरीके से हम विलियम शेक्सपियर के सिबलिंग्स के बारे में जानकारी रखते हैं, हमें आवश्यकता है कि हम इनके सिबलिंग्स के बारे में भी जानकारी रखें, ठीक है। तो ही वाज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, ये दूसरे नंबर के बेटे थे अपने सभी भाई बहनों में, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आर के नारायण से यंगर ब्रदर रामाचंद्र, ठीक है ना, रामाचंद्रन वाज एन एडिटर ऑफ जैमिनी स्टूडियो, इनका जो छोटा भाई था रामाचंद्रन वो जैमिनी स्टूडियो में क्या थे, एक एडिटर का काम करते थे, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ मैं, जैमिनी स्टूडियो में, हालांकि इन्होंने भी जैमिनी स्टूडियो में बाद में काम किया था, बताऊंगा कहाँ पर किया था। एंड द यंगेस्ट ब्रदर लक्ष्मण वाज कार्टूनिस्ट, और इनका जो सबसे छोटा भाई था लक्ष्मण वो कौन था, वो एक कार्टूनिस्ट था, याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे हम अगले पॉइंट पर, आगे दिया गया है
डियर फादर वाज अ स्कूल प्रिंसिपल। अगर हम इनके पिता के ऑक्यूपेशन की बात करें तो इनके पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, ठीक है, नोट कर लेंगे, स्कूल के प्रिंसिपल थे। एंड नारायण अटेंडेंट सम ऑफ हिज फादर्स क्लास, और आर के नारायण ने स्वयं भी अपने पिता के स्कूल में कई बार क्लासें अटेंड की थी, ठीक है ना, नोट कर लेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्लास है। आगे दिया गया, नारायण स्पेंट पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड विद हिज मैटरनल ग्रैंड मदर पार्वती। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब है नानी। इन्होंने अपना जो बचपन था अपने नानी के यहाँ पर गुजारा था, जिनका नाम था पार्वती। सिंस हिज फादर्स वर्क रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, क्योंकि इनके पिता एक हेडमास्टर थे यानी कि प्रिंसिपल थे, और उनका अक्सर ट्रांसफर हुआ होता रहता था, ठीक है, कहीं ना कहीं पर उनका ट्रांसफर होता रहता था, जिस वजह से इनका जो पालन पोषण था वो ज़्यादातर कहाँ हुआ था, नानी के घर पे हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। अ पीकॉक एंड अ मिस्चीवियस मंकी, यानी कि एक मोर और एक बहुत ही शरारती बंदर इनके फ्रेंड थे, ठीक है, आर के नारायण के फ्रेंड थे जो बचपन में जिनके साथ ये खेला करते थे। उनमें एक पीकॉक था, एक मंकी था जो बहुत ही ज़्यादा शरारती था, उस समय पर इन्हीं के साथ में ये खेला करते थे। एंड आर के नारायण निक नेम बाज कंजप्पा, आर के नारायण का जो निक नेम था वो कंजप्पा था, और इस नेम को रखने वाला जो कैंडिडेट था वो उनकी नानी माँ थी, ठीक है ना, यानी जो अभी जिनके बारे में हमने जिक्र किया था पार्वती, उन्हीं ने इनका नाम कंजप्पा रख दिया था, जो कि निक नेम माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आशा मिश्रा गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, और आज भी मोस्टली लोग नहीं आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम अगले टॉपिक पे अगला पॉइंट ले लेते हैं। आगे दिया गया है, ही लर्नेड आर्थमेटिक माइथोलॉजी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक एंड संस्कृत फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। अगर हम बात करते हैं इन्होंने क्या क्या सीखा था अपनी लाइफ में, तो इन्होंने अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स को भी सीखा था, ठीक है, माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक जो कथाएं होती हैं वो भी सीखी थी, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक भारतीय शास्त्रीय संगीत ये भी इन्होंने सीखा था, और संस्कृत भी इन्होंने सीखी थी। कहाँ से सीखी थी? अपनी ग्रैंड मदर से, ठीक है, याद रखेंगे। हिज फैमिली वाज अ पॉलिटिकल, देखिए एक होता है पॉलिटिकल और एक होता है अपॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब राजनैतिक होता है और अपॉलिटिकल का मतलब गैर राजनैतिक होता है। तो इनकी जो फैमिली थी वो गैर राजनैतिक थी, जो हमेशा क्या करती थी, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, हर एक गवर्नमेंट को विकेट, ठीक है, विकेट एंड अनट्रस्टवर्थी यानी कि कमीनी और गैर भरोसेमंद सरकारें मानती थी इनकी फैमिली, यानी अपॉलिटिकल का मतलब यही है, जो राजनैतिक चीज़ों में भरोसा नहीं रखते, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा, नारायण अटेंडेड अ नंबर ऑफ मद्रास स्कूल्स, और आर के नारायण ने मद्रास के कई सारे स्कूल में एजुकेशन प्राप्त की थी, यानी कि शुरुआत में पढ़ाई की थी उन स्कूलों में। मैं बताइए सभी के नाम मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। नंबर ऑफ मद्रास स्कूल्स वाइल लिविंग विद हिज ग्रैंड मदर, इंक्लूडिंग द लॉथरन मिशन स्कूल इन पुरस्वाकम, और CRS हाई स्कूल और क्रिश्चियन कॉलेज हाई स्कूल, इतने कॉलेजेस में इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है, याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को। आगे एक टॉपिक और है, आज पूरा इनका जीवन यापन मैं बता दूंगा, पूरी बायोग्राफी बता दूंगा, उसके बाद में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा कि वहाँ से आपके क्वेश्चन छूट जाए आने के लिए, ठीक है ना। नारायण वाज एन अविड रीडर हु ग्रीव अप ऑन डिकेंस, देखिए ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, और एक बोल सकते हैं ऐसे रीडर थे जिनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इन्होंने अपनी जीवन का जो समय गुजारा ज़्यादातर पढ़ने में, वो चार्ल्स डिकेंस पे इन्होंने स्टडी की, चार्ल्स डिकेंस को पढ़ा था, वुड हाउस, आर्थर कैनन डॉयले और थॉमस हार्डी, ऐसे राइटर थे इमीनियंट, इन राइटर्स को ये पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना, बड़े हुए थे, नोट कर लेंगे, यानी कि इनकी लाइफ पे इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा था। आगे दिया है नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन हिज फादर वाज ट्रांसफर टू महाराजास कॉलेज हाई स्कूल, जब इनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया महाराजास कॉलेज हाई स्कूल, ठीक है ना, तो नारायण मूव टू मैसूर टू लिव विद हिज फैमिली, तो फिर क्या हुआ, फिर ये अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए मैसूर चले गए, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हिज रीडिंग हैबिट वाज फ्यूल्ड बाई द स्कूल्स वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, और इनको जो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, इस शौक को पूरा किया स्कूल में होने वाली उस लाइब्रेरी, जहाँ पर बहुत सारी बुक इनको पढ़ने के लिए मिल जाती थी, और वैसे इनके फादर के पास भी बहुत सारी किताबें थी, तो उनके फादर ने भी उनको एक तरीके से बहुत हेल्प की इनको पढ़ाने में,
एंड बिगेन राइटिंग एज वेल। और यही सारी चीज़ें इनके राइटिंग यानी कि लिखने में सहायक बनी थी। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं। आफ्टर फेलिंग द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, इन्होंने हाई स्कूल करने के बाद में जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो उसके बाद में ये ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में फेल हो गए, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में फेल हो गए। तो उसके बाद में इनको घर बैठा दिया गया, यानी घर पे ही इन्होंने स्टडी की और घर पर ही बैठकर इन्होंने किताबें पढ़ी। नारायण स्पेंट अ ईयर एट होम रीडिंग एंड राइटिंग बिफोर पासिंग द एग्जाम इन 1926। यानी इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन पास किया वो 1926 में पास कर पाया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनका जो पूरा बैचलर ऑफ डिग्री यानी कि बीए जो हुआ था वो 4 सालों में कंप्लीट हो पाया था। याद रखिएगा, 4 सालों में इन्होंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर पाया था। और ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से इन्होंने कंप्लीट की थी वो था महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं थोड़ा सा, याद या ही ब्रीफली वर्क एज अ स्कूल टीचर। आर के नारायण ने स्कूल टीचर के रूप में भी काम किया था बट इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है ना, स्कूल टीचर के रूप में काम तो किया था बट इन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन क्यों कर दिया, उसका एक रीज़न था, जो स्कूल में जो पढ़ाते थे उसी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की, प्रेशर डाला इनके ऊपर कि ये स्कूल टीचर ना रहकर यानी कि एक शिक्षक ना रहकर, मेयरली शिक्षक ना रहकर क्या बन जाए, फिजिकल ट्रेनर बन जाए। ठीक है, बट इनको पढ़ाने का शौक था, रीडिंग करने का, टीचिंग करने का शौक था, तो इन्होंने उस चीज़ का विरोध किया और वो लोग माने नहीं तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक दिया गया द एक्सपीरियंस परसुएड नारायण, और वो सारे अनुभव जो नारायण आर के नारायण फील कर रहे थे इस समय पर, दैट राइटिंग वाज हिज ओनली चॉइस। अब उनके पास में सिर्फ एक ही चॉइस बची थी कि वो अपना राइटिंग वाला जो करियर है उसे चूज कर लें। सो ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड राइट नॉवल्स। इसी वजह से जब उनके पास कोई काम नहीं रहा, स्कूल से उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो फिर उनके पास नॉवल्स यानी कि राइटिंग करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था, उन्होंने राइटिंग करना शुरू कर दिया। क्लियर हो गया, आप लोग इसको पढ़ते रहें, अब आसानी से पढ़ते रहिएगा अभी, और उसके बाद में इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लियर है ना, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, आर के नारायण कैरियर एज अ राइटर। अब बात करते हैं आर के नारायण का जो कैरियर था वो राइटर के तौर पर कैसा गुजरा। तो अब जो हम बात करेंगे वो कैरियर पे बात करेंगे, जहाँ इनके जो नॉवल्स थे, वर्क्स थे, ड्रामा थे, पोइट्स थी, इवन देन जो भी इन्होंने लिखा था वो सारी चर्चा करेंगे। और आगे इससे जो अगला वाला जो पॉइंट आने वाला है उसमें बात करेंगे इनकी अचीवमेंट की, उसके बाद में बात करेंगे इनकी फैमिलीज की। ठीक है, अभी 3 सेक्शन और हैं हमारे पास, उसके बाद में ये राइटर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। आर के नारायण फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग वाज अ बुक रिव्यू। अगर बात करें हम इनकी कि इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा था, तो ही जस्ट रोट अ पीस ऑफ राइटिंग दैट वाज अ रिव्यू फॉर द बुक डेवलपमेंट ऑफ मैरी टाइम लॉज ऑफ 17th century इंग्लैंड। ठीक है, इन्होंने लिखा था डेवलपमेंट ऑफ मैरी टाइम लॉज ऑफ 17th century इंग्लैंड। ये इनका एक बुक रिव्यू था, यहाँ से लेकर डेवलपमेंट से लेकर इंग्लैंड तक ये इनका एक बुक रिव्यू था। बुक रिव्यू का मतलब ये होता है किसी बुक पर दोबारा से शोध कर लेना। ठीक है, ही बिगेन राइटिंग लोकल इंटरेस्ट आर्टिकल फॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑकेजनली। कहने का मतलब ये है कि अवसर बस अक्सर करके ये ऐसी चीज़ें लिखते थे न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए, इंग्लिश में, इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए ऐसी चीज़ें लिखते थे जो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग होते थे वो उस चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते थे। डेस्पाइट द लो पे, इनको कम पे मिलता था, यानी जो वेतन था वो थोड़ा सा कम मिलता था। ठीक है, वेतन थोड़ा कम मिलता था लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। ही हैड अ नॉर्मल लाइफ एंड फ्यू नीड्स एंड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स अप्रिशिएटेड एंड एम्ब्रेस्ड हिज अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस। उनके जो फैमिली थे, उनके जो फ्रेंड थे, उन्होंने इनके राइटिंग की बहुत ज़्यादा सराहना की और इन्होंने ये जो बोल सकते हैं अनकन्वेंशनल यानी कि परंपरागत रूप से जो काम करते थे इनके घर वाले टीचिंग का, वो इन्होंने छोड़ दिया और एक ऐसा काम पकड़ा जो परंपरागत रूप से इनके फैमिली में नहीं होता था, यानी कि राइटिंग का, एक राइटर बनने का। सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से सराहना की कि तुमने लीक से हटकर कोई काम करना चाहा है। ठीक है, आगे चलते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स नारायण फर्स्ट बुक,
याद रखना सारे पॉइंट मैं क्लियर कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्वामी एंड फ्रेंड्स, नारायण्स फर्स्ट बुक, नारायण की जो पहली बुक थी वो थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना इस चीज को, स्वामी एंड फ्रेंड्स वाज इज फर्स्ट बुक, मॉक्ड बाई हिज अंकल एंड रिजेक्टेड बाई अ नंबर ऑफ पब्लिशर्स। इन्होंने जब अपनी पहली बुक लिखी थी तो इस पर लोगों ने हंसी उड़ाई थी, इसकी लोग हंसे थे, इवन देन इनके जो खास चाचा थे वो भी इस चीज पर हंसे थे कि क्या लिखा है तुमने, बकवास है। और नंबर ऑफ पब्लिशर्स ने, यानी कि बहुत सारे पब्लिशर्स ने, पब्लिशर बोलते हैं हम उनको जहां पर किताबें प्रकाशित की जाती हैं, पब्लिश्ड की जाती हैं, तो किसी ने भी उस बुक को नहीं लिया, किसी ने भी पब्लिश नहीं की, कई सारे लोगों ने उस बुक को रिजेक्ट कर दिया ये मान करके ये बुक ठीक नहीं है। क्लियर हो गया, चलिए। और एंड रिजेक्टेड बाई ए नंबर ऑफ पब्लिशर इन 1930, ठीक है। द नोवल वॉज बेस्ड ऑन अ सेवरल इंसिडेंट फ्रॉम हिज ओन चाइल्डहुड। अगर हम बात करें तो ये नोवेल जो था स्वामी एंड फ्रेंड्स, एक तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल था, इसमें उनके बचपन की जो रिफ्लेक्शन था वो झलकता था साफ साफ, ठीक है ना। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स किस तरीके का नोवेल था, एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल था, याद रखेंगे, जिसमें उनके बचपन की झलक वहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर हुआ, चलिए। सर डेट आ गई जूनियर की, जी हाँ जूनियर की डेट आ गई, 17 तारीख की डेट है, ठीक है, और तैयारी करते रहिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब बात चल रही है स्वामी, जिस बुक के बारे में हमने अभी बात की थी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसी बुक के बारे में अभी बात चल रही है। तो विद दिस बुक नारायण डेवलप्ड मालगुडी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये जो बुक इन्होंने लिखी थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसी बुक के द्वारा, इसी बुक के साथ में इन्होंने एक फिक्शनल प्लेस, रीजनल प्लेस जैसे बोलते हैं, जैसे थॉमस हार्डी का वेसेक्स है, ठीक है ना, इसी तरीके से इन्होंने भी अपना एक फिक्शनल प्लेस क्रिएट किया, फिक्शनल टाउन क्रिएट किया, और उस टाउन का नाम रखा गया मालगुडी, ठीक है, नोट कर लेना, उसका नाम रखा गया मालगुडी, जो कि आपके उसमें लिखा गया है, ठीक है, मालगुडी, जिसमें मोस्टली सारी चीज़ें उन्होंने, सारी जो स्टोरी वगैरह थी वहाँ पर ही क्रिएट की हैं। और मालगुडी को बनाने के बाद में, मालगुडी एक तरीके से एक क्रिएटिव रिप्लिकेटेड द सोशल स्फीयर ऑफ द कंट्री, देश के सामाजिक ढांचे को उन्होंने एक बार दोबारा से उस आर्टिफिशियल टाउन के द्वारा रिफ्लेक्ट किया, इवन देन इससे कहीं ज़्यादा उसने इफेक्ट डाला। स्वतंत्रता के बाद जो भारत था उसमें जो राजनीतिक उथल पुथल थी, जो जिम्मेदारियाँ थी, उन पर भी फोकस करवाया उन्होंने इस मालगुडी के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट फिक्शनल क्रिएशन, ठीक है ना। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बुक, जी हाँ, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डी का बेसिक्स था वैसे ही इनका मालगुडी है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा, नारायण वर्क एज अ रिपोर्टर फॉर जस्टिस, देखिए आर के नारायण ने एक रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया था, ठीक है ना, आर के नारायण ने एक रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया था फॉर द जस्टिस, यानी न्याय दिलाने के लिए, और काम किस में किया था, अ मद्रास बेस्ड पब्लिकेशन डिवोटेड टू नॉन ब्राह्मिन राइट्स, एक ऐसा पब्लिकेशन था जिस पब्लिकेशन में काम क्या होता था, जो गैर ब्राह्मण लोग होते थे, यानी ब्राह्मणों को छोड़कर जितने भी लोग होते थे उनके अधिकारों के लिए मांग उठाई जाती थी, ठीक है, तो उस पब्लिकेशन में भी इन्होंने एक तरीके से रिपोर्टर का काम किया था, ठीक है। एंड अ वाइड रेंज ऑफ पीपल एंड कंसर्न एज अ रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, और जब रिपोर्टर का काम कोई करता है तो वो फील्ड में जाता है, पब्लिक के बीच में जाता है, तो एज ए रिपोर्टर ये उस पब्लिकेशन के लिए काम तो करते ही थे, साथ ही साथ जो खुद लिखते थे उसके बारे में भी लोगों से कंसर्न करते थे कि मैं नोवेल लिखता हूँ, स्टोरी लिखता हूँ, मैंने ये काम लिखा है, मैंने ये वर्क लिखा है, तो इस तरीके से लोग इनके बारे में जानना शुरू हो गए थे, ठीक है, इससे इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला था। आगे चलते हैं, नारायण हैड सेंट द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स टू एन ऑक्सफर्ड एक्वेंटिस, एक ऐसे व्यक्ति के पास में इन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड वो बुक जो सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दी थी, जिस पर सभी लोगों ने हंसी उड़ाई थी इनकी, वो बुक इन्होंने अपने एक परिचित व्यक्ति को, जो ऑक्सफोर्ड में किसी तरीके से ताल्लुकात रखते थे, ठीक है, संबंध रखते थे ऑक्सफोर्ड में, तो उस व्यक्ति को इन्होंने दी, उस व्यक्ति ने वो किसको दे दी, ग्राहम ग्रीन को, ठीक है, उस व्यक्ति ने वो बुक किसको दे दी, ग्राहम ग्रीन को दे दी, या फिर दिखाया, कुछ भी समझ लीजिए, उसी समय पर। दिस बुक वाज इवेंचुअली पब्लिश्ड इन 1935, और वही ग्राहम ग्रीन, यही इनके मेंटर बन गए,
और यही इनके गुरु बन गए, मेंटर गुरु मतलब बात एक ही है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इनकी मोस्टली बुक्स फिर बाद में पब्लिश करवाई जाती थी, यानी इनकी सक्सेस में इनका सबसे बड़ा हाथ था। जहाँ इनकी बुक्स को कोई पूछ नहीं रहा था, इनकी मदद से इनकी ज़्यादातर बुक्स पब्लिश होना शुरू हो गई। तो स्वामी एंड फ्रेंड जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी आपकी 1935 में, जैसा कि मैंने सामने लिख दिया लाइन में, ठीक है ना। आफ्टर ग्रीन रिकमेंडेड इट टू हिज पब्लिशर, जब ग्राम ग्रीन ने इसको रिकमेंड किया कि भाई इसको पब्लिश होना चाहिए, उन्होंने एक पब्लिशर को ये कॉपी भेजी और उसने इसको 1935 में पब्लिश करवा दिया, ठीक है। ग्रीन आल्सो एडवाइज नारायण टू शॉर्टन हिज नेम सो दैट इट वुड बी मोर रिकोनाइजेबल टू एन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस। कहने का मतलब ये है, जो ग्राहम ग्रीन थे, जो मेंटर थे, जो वो व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी किताब को पब्लिश करवाया था एक पब्लिशर के द्वारा रिकमेंडेशन देने के बाद में, उन्होंने इनको एक एडवाइस और दी थी कि तुम एक काम करो, तुमने ये जो बुक लिखी है इसका जो टाइटल है स्वामी एंड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इंग्लिश ऑडियंस के लिए टाइटल अप्रिशिएटेबल नहीं रहेगा, आप क्या करेंगे इस टाइटल को थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो जो इंग्लिश ऑडियंस है वो इसको अच्छे तरीके से समझ लेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। आर के नारायण सेकेंड बुक, आर के नारायण की जो सेकेंड बुक है उसका नाम है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना। आर के नारायण की जो सेकेंड बुक है उसका नाम है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इट वाज इन्फ्लुएंस इन पार्ट ऑफ हिज कॉलेज एक्सपीरियंस। अगर हम द बैचलर ऑफ आर्ट की बात करें तो बैचलर ऑफ आर्ट में जो झलक देखने को मिलती है वो इनके स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की मिलती है, जहाँ पर जो जवान लड़के होते हैं, एडोलेसेंस का मतलब है जवान, तो जवान लोगों में जो क्रांतिकारी उथल पुथल मची होती है माइंड में, ठीक है ना, क्रांतिकारी कीड़ा जो दिमाग में पनपता रहता है वो उसमें दिखाया गया है, ठीक है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1937 और ये पब्लिश किया गया था 1937, उसको ग्राम ग्रीन के द्वारा जिस पब्लिशर से पब्लिश करवाया था, ठीक है, वहीं इसको एक दूसरे पब्लिशर ने पब्लिश किया था, लेकिन पब्लिश करने के लिए जो रिकमेंडेशन दी थी वो ग्राम ग्रीन ने ही दी थी, ठीक है ना। उस वाली बुक को भी पब्लिश ग्राम ग्रीन ने करवाया था दूसरे पब्लिशर से, इसको दूसरे पब्लिशर से ग्राम ग्रीन ने पब्लिश करवाया था, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं इनके थर्ड नोवेल के बारे में जिसका नाम है द डार्क रूम, वेरी इंपॉर्टेंट नोवेल एंड इट डील्ड विद द मार्शियल स्ट्राइप पोर्टिंग द मैन एज द ऑपरेसर एंड द वूमेन एज द विक्टिम इनसाइड अ मैरिज एंड वाज पब्लिश इन 1938 बाई अ डिफरेंट। इसको किसी और पब्लिशर के द्वारा पब्लिश करवाया था, लेकिन पब्लिश करवाने के पीछे जिसका हाथ था वो ग्राहम ग्रीन ही थे, ठीक है, मेंटर थे इनके। तो इस प्ले में, इस ड्रामा में, सॉरी इस नोवेल में होता क्या है, जो जो दिया गया है द डार्क रूम, इसमें इन्होंने एक शादीशुदा जिंदगी को पोर्ट्रेट किया है जिसमें जो जेंट्स होते हैं यानी जो मेल होते हैं उनको ऑपरेसर बताया है। ऑपरेसर का मतलब क्रूअल पर्सन, जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति को बताया है, आदमी को बताया है और प्रताड़ित होने वाला महिला को बताया है, ठीक है, यानी शादीशुदा जिंदगी का यानी चित्रण किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, देखिए आज भी कोई नहीं आया है, कल बोल बोल के थक गए थे, फिर बोल रहे थे सर क्लास नहीं हुई है और मैं आज इस क्लास को फिर से प्राइवेट कर दूंगा, जब मैं लाइव यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ तो आप लोगों को लाइव आना चाहिए था, ठीक है। हमारे पेड बैच की ये खासियत है कि हम हमेशा क्लास लाइव देते हैं और आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर मैं भी आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो देना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दिया गया है आर के नारायण फोर्थ नोवेल, आर के नारायण का जो चौथा नोवेल है, ठीक है ना, आर के नारायण का जो फोर्थ नोवेल है वो है द इंग्लिश टीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोवेल द इंग्लिश टीचर एंड दिस बुक इज ऑटोबायोग्राफिकल। ये बुक भी कैसी है, ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, ठीक है, याद रखेंगे, दिस बुक आल्सो ऑटोबायोग्राफिकल विच वाज ऑलमोस्ट एंटायरली बेस्ड ऑन हिज ऑन लाइफ, जिसमें उनकी लाइफ की पूरी झलक मिलती है, एल्दो विद डिफरेंट नेम्स फॉर द करेक्टर्स एंड अ डिफरेंट सेटिंग ऑफ द प्लेस दैट इज मालगुडी, ठीक है ना। जहाँ इनकी पर्सनल लाइफ की झलक वहाँ देखने को मिलती है, बस अंतर इतना है कि कैरेक्टर्स के जो नेम है वो अलग हैं और जो प्लेस है वो मालगुड़ी है, ठीक है, याद रखेंगे, बाकी सब कुछ इसमें ऑटोबायोग्राफिकल है। नाम है इस नोवेल का द इंग्लिश टीचर, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट दिया गया है नारायण ट्राइड हिज हैंड एट पब्लिशिंग अ जर्नल इंडियन थॉट। देखिए जो आर के नारायण थे उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया
एक जर्नल को पब्लिश करने में, जिस जर्नल का नाम रखा है इन्होंने इंडियन थॉट, और पब्लिश करने की जो कोशिश की थी या पब्लिश किया गया था, वो पब्लिश किया गया था 1940 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, इंडियन थॉट एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1940। एंड नारायण वॉज एबल टू गेट ओवर 1000 सब्सक्राइबर इन मद्रास, और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि इनके जो सब्सक्राइबर थे यानी उस कॉपी को लेने वाले जो लोग थे वो हजारों हो गए थे मद्रास शहर में, अलोन विद द एड ऑफ हिज अंकल, जिसमें उनकी मदद की थी इनके चाचा ने। हाउएवर ड्यू टू नारायण्स इनएबिलिटी टू हैंडल द कंपनी, लेकिन इन्होंने ये जो जर्नल निकाला था इंडियन थॉट, इसका इनसे काम धंधा नहीं संभला था, ये कंपनी इनसे संभाली नहीं गई थी, इस वजह से इसको एक साल के अंदर ही बंद करना पड़ा था। ठीक है, सो नारायण्स इनएबिलिटी टू हैंडल द कंपनी इट ओनली लास्टेड अ ईयर बिफोर सीजिंग पब्लिकेशन। बात करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मालगुडी डेज, ठीक है ना, मालगुडी डेज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, हिज फर्स्ट बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरी। मालगुडी डेज आकर क्या है ये भी समझ लेना चाहिए, तो मालगुडी डेज इज अ शॉर्ट स्टोरी बाई आर के नारायण एंड द फर्स्ट बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है ना, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन नवंबर 1942, और ये पब्लिश किया गया था 1942 में, एंड द इंग्लिश टीचर इन 1945 में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करेंगे हम अगले टॉपिक की, अगला टॉपिक आगे पॉइंट दिया गया है, नारायण फाउंडेड हिज ऑन पब्लिशिंग हाउस, नारायण ने अपना खुद का एक पब्लिकेशन हाउस बनाया जिसका नाम रखा गया था इंडियन थॉट पब्लिकेशन। ठीक है, इंडियन थॉट पब्लिकेशन विच वॉज अ सक्सेस एंड स्टिल इन ऑपरेटिंग टूडे रन बाई हिज ग्रैंडडॉटर। अगर क्वेश्चन यह आ जाता है कि आर के नारायण ने किस पब्लिकेशन हाउस को शुरू किया था, तो उसका नाम याद रख लीजिएगा इंडियन थॉट पब्लिकेशन हाउस, और ये आज की डेट में भी चल रहा है, ये आज की डेट में भी चल रहा है, और इसको जो रन किया जा रहा है यानी जो चलाया जा रहा है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनकी ग्रांड डॉटर के पास है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए जी हाँ, आगे बात करेंगे नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर आगे पॉइंट दिया गया है, नारायण्स बुक बिगेन टू सेल वेल, यानी कि आर के नारायण की जो किताबें थी वो बहुत अच्छे तरीके से बिकना शुरू हो गई थी, एंड 1948 में ही बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑन हिज ऑन होम, जब उनकी किताबें अच्छे तरीके से बिकना शुरू हो गई तो उन्होंने अपना घर बनवाने का सोचा, और घर उन्होंने कहाँ बनवाया था, आउट स्कर्ट ऑफ मैसूर, ठीक है ना, एक प्लेस था आउट स्कर्ट एट मैसूर, जहाँ पर उन्होंने घर बनवाना अपना शुरू करी जब इनके पास अच्छे पैसे आना शुरू हो गए, और ये घर कंप्लीट हो गया था इनका 1953 में। अराउंड दिस टाइम नारायण रोट द स्क्रीन प्ले फॉर जेमिनी स्टूडियो, ठीक है, जैसा मैंने बताया था इनके जो ब्रदर थे, ठीक है ना, वो भी जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे, और इन्होंने भी जेमिनी स्टूडियो में काम किया, काम किसका किया था, स्क्रीन प्ले लिखा था इन्होंने, ठीक है, और वो फिल्म कौन सी थी जिसके लिए स्क्रीन प्ले लिखा था, उस फिल्म का नाम था मिस मालिनी 1947 में, ठीक है, विच वॉज द ओनली स्टोरी ही एवर कम्प्लीटेड फॉर द स्क्रीन, और सिर्फ ये इकलौती स्टोरी थी मिस मालिनी की जो इन्होंने किसी फिल्म के लिए, किसी स्क्रीन के लिए कंप्लीट लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा 1947। ओके, आगे चलेंगे हम अगले पॉइंट पर, आगे पॉइंट दिया गया है आर के नारायण नेक्स्ट नोवेल मिस्टर संपत, जिसके बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना होगा, है ना, सभी लोगों ने सुना होगा मिस्टर संपत, दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोवेल बाई आर के नारायण, एंड इट वॉज मोर इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एक्सटर्नल स्टाइल कंपेयर टू द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टोन ऑफ द अर्लियर नोवेल्स। कहने का मतलब ये है कि दिस इज मोस्ट क्रिएटिव एक्सटर्नल स्टाइल कंपेयर टू द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टोन ऑफ द अर्लियर नोवेल, जैसे कि इनकी जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जो नोवेल्स थे पहले वाले जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी सारे नोवेल्स इनके ऑटोबायोग्राफिकल थे, तो उसके बजाय यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा था, क्रिएटिवनेस बहुत ज़्यादा थी, एक्सटर्नल क्रिएशनेशन ज़्यादा थी। कहने का मतलब ये हो गया कि ये ऑटोबायोग्राफिकल इम्पैक्ट नहीं डालते थे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव नोवेल्स थे। आगे चलेंगे, इन 1951 में ही पब्लिश्ड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसके बाद में इन्होंने फाइनेंशियल एक्सपर्ट नाम का एक वर्ड और लिखा 1951 में, विच इज वाइडली रिगार्डेड एज इज मास्टरपीस, जैसे गार्ड्सवर्दी का मास्टरपीस फोर साइड सागा रिगार्ड किया जाता है, ऐसे इनका जो मास्टरपीस है वो रिगार्ड किया जाता है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है ना।
मास्टरपीस एंड वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ लिटरेचर, और इनका सबसे ज़्यादा किफ़ायती, सबसे ज़्यादा टिकाऊ वर्क माना जाता है लिटरेचर का। क्लियर है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है ये वाला टॉपिक। वेटिंग फॉर महात्मा, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। इनके जितने भी वर्क हैं उन सभी के बारे में मैं शॉर्ट में बता दूंगा और पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ दिया गया वेटिंग फॉर महात्मा, दिस इज ऑल्सो अ नोवल। और अगर इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो दिस इज सम हाउ बेस्ड ऑन द महात्मा गांधीज विजिट इन हिज क्रिएटेड इमेजिनेटिव प्लेस मालगुडी। देखिए, इन्होंने जिस प्लेस को क्रिएट किया था उस प्लेस का नाम है मालगुडी। इन्होंने महात्मा गांधी को अपनी इमेजिनेशन में एंट्री दी और इन्होंने कल्पना की कि महात्मा गांधी हमारे क्रिएट किए हुए मालगुडी में विजिट करने के लिए आए हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की इमेजिनेटिव यात्रा इन्होंने क्रिएट कर दी, किसमें? वेटिंग फॉर महात्मा में। और इसमें इन्होंने चित्रण किया है जो प्रोटोगोनिस्ट है कहानी का, जो हीरो है, ठीक है, जब महात्मा उपदेश देते हैं उस समय पर जो कहानी की हीरोइन है उसके लिए, कहानी की जो हीरोइन है उसके लिए उपदेश के समय उसके मन में जो रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं, जैसे हीरो को हीरोइन को देखकर आती हैं, उसी तरीके से वो भी हीरो है उसमें भी हीरोइन है, तो उसके अंदर जो रोमांटिक भाव उत्पन्न होते हैं उन भाव को यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, तो महात्मा गांधीज फिक्शनल विजिट टू मालगुडी वाज पब्लिश्ड इन 1955। ये 1955 में पब्लिश्ड किया गया है एंड डील्स विद द प्रोटोगोनिस्ट रोमांटिक फीलिंग फॉर अ वूमेन वाइल अटेंडिंग द विजिटिंग महात्माज डिस्कोर्स। जब महात्मा क्या करते हैं, अपने उपदेश दे रहे होते हैं उस समय पर, उस महिला के लिए इनकी जो रोमांटिक फीलिंग होती है उस हीरो की, वो यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, पब्लिश्ड डेट यहाँ पर 1955 दी गई, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये महात्मा गांधी की इमेजिनेटिव ट्रेवल यानी कि इमेजिनेटिव यात्रा जो कि मालगुडी के लिए वो करते हैं, मालगुडी में घूमने जाते हैं, उस पर आधारित है। चलिए आगे बात करेंगे, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस। देखिए, यहाँ पर एक प्रेस का नाम आया है यानी एक पब्लिकेशन हाउस का नाम आया है, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस। इसने इनका एक वर्क पब्लिश किया था, हिज वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1953। अगर इनका कोई वर्क पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम पर, तो वो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था, और जिस ईयर, जिस साल में पब्लिश किया गया था वो साल था आपका 1953। ठीक है, पहली बार यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश किया गया था। ओके, आगे देख लीजिए, आगे दिया गया है द गाइड। सारे के सारे वर्क को मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा, एक भी वर्क नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द गाइड हिज नेक्स्ट बुक वाज रिटन वाइल ही वाज ऑन रॉक फेलर फेलोशिप। इनको एक रॉक फेलर फेलोशिप भी मिली थी यूनाइटेड स्टेट में 1956 में। ठीक है, तब ये क्या कर रहे थे, इनकी नेक्स्ट बुक थी द गाइड। ठीक है, द गाइड इन्होंने लिखी थी उस समय पर जब ये रॉक फेलर फेलोशिप को प्राप्त करने के बाद में यूनाइटेड स्टेट में राइटिंग करते थे। ठीक है, आगे दिया गया नारायण मेट हिज फ्रेंड, और उसी समय पर जब ये यूनाइटेड स्टेट में पहुंचे थे उसी समय पर इनके जो मेंटर थे ग्राम ग्रीन, ठीक है, जिन्होंने इनके नॉवल्स को पब्लिश करवाने में इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, उस समय सिर्फ पहली बार ये मिले थे वहाँ पर यूके में। ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट में पहली बार मिले थे ये वहाँ पर, इस चीज़ को याद रखिएगा। नारायण वाज नॉन फॉर राइटिंग एसेज। अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे आर के नारायण। नारायण वाज आल्सो मोस्ट फेमस एंड नॉन फॉर राइटिंग एसेज सम ऑफ विच वर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। और कुछ उन चीज़ों के लिए फेमस हुए थे जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में, और कुछ जनरल्स में पब्लिश होते थे, और अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए ये फेमस हो गए थे। नेक्स्ट संडे, इनका एक वर्क है नेक्स्ट संडे, ठीक है, समझ लेना, नेक्स्ट संडे वाज अ कॉम्प्लीशन ऑफ दीज काइंड्स ऑफ कन्वर्सेशन। और नेक्स्ट संडे क्या है, इसी तरीके की एक कन्वर्सेशन पर आधारित है, जैसे कि ऐसे होते हैं, ठीक है ना, और जर्नल्स होते हैं, इस तरीके की चीज़ों पर ये आधारित हैं। एंड इट वाज हिज फर्स्ट बुक, और यही उनकी वो पहली बुक थी जो ऐसे में इन्होंने लिखी गई थी, माई डेटलेस डायरी। ठीक है ना, माई डेटलेस डायरी, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ हिज वर्क एंड इट डिटेलिंग हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज 1956 से लेकर जब तक ये यूनाइटेड स्टेट में रहे थे तब तक का इनका पूरा एक्सपीरियंस इंक्लूड किया गया है इनकी माई डेटलेस डायरी में। ठीक है, ये लिखा गया है माई डेटलेस डायरी में। ठीक है, और इट वाज पब्लिश्ड सून आफ्टर 1956, 1956 के
कुछ दिनों बाद ही यानी कि 1956 और 1957 के समथिंग इसको पब्लिश करवा दिया गया था, माई ड्यूटलेस डायरी। ठीक है, इसमें इनके जीवन के जो पल थे, जो यूनाइटेड स्टेट में इन्होंने गुजारे थे, वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। आगे दिया गया द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। नारायण्स नेक्स्ट बुक वाज रिलीज्ड इन 1961। इस बुक को पब्लिश किया गया था 1961 में। अकॉर्डिंग टू रिव्यूज द बुक हैज अ प्लॉट दैट इज अ क्लासिकल कॉमेडी आर्ट फ्रॉम द डेलिकेट पावर। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये क्लासिकल कॉमेडी के तरीके से लिखा गया है। ठीक है ना, अब आगे इनका एक वर्क है गॉड्स डेमन्स एंड अदर, गॉड्स डेमन्स एंड अदर्स, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ए कलेक्शन ऑफ रिवाइज एंड ट्रांसलेटेड शॉर्ट स्टोरी। गॉड्स डेमन्स एंड अदर क्या है आपका, ए शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी का एक रिवाइज कलेक्शन है। ठीक है ना, एक रिवाइज कलेक्शन है, सामने नोट कर दिया मैंने, अ रिवाइज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। फ्रॉम हिंदू इपिक्स वाज नारायण फर्स्ट माइथोलॉजिकल बुक, कहने का मतलब ये है कि हिंदू माइथोलॉजी पर आधारित इनका ये पहला स्टोरी कलेक्शन है, गॉड्स डेमन्स एंड अदर। ठीक है, माइथोलॉजिकल बुक है ये। अगर इसकी पब्लिकेशन की बात कर लें हम, तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1964 में, 1964 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ठीक है, आगे दिया गया द वेंडर ऑफ स्वीट्स, यहाँ पर नोट कर लेना इस चीज को, द वेंडर ऑफ स्वीट्स अ नोवेल रिटन बाई नारायण इन 1967, ये 1967 में लिखा गया है, एंड वाज हिज नेक्स्ट पब्लिश्ड वर्क, उसके बाद में जो पब्लिश किया गया था ये वो वाला नेक्स्ट वर्क है। ठीक है, एंड इट वाज इन्फ्लुएंस बाई हिज ट्रेवल, और इस ये किस चीज़ पर आधारित है, दिस बेस्ड अपॉन द ट्रेवल्स, जो इनकी यात्राएं थी कहाँ के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स गए थे तब जो इन्होंने यात्राएं की थी, जर्नी की थी, वो सारी यात्राएं इसमें शामिल की गई हैं, उस पर आधारित हैं। एंड कंटेंस एक्सट्रीम पोर्ट्रियल ऑफ बोथ इंडियन एंड अमेरिकन स्टीरियोटाइप्स, इसमें उन्होंने इंडियन और अमेरिकन दोनों तरीके के चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है ना, कई तरीके के कल्चर यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंस तरीके से दर्शाए गए हैं। ठीक है, किसमें, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, मिठाई विक्रेता। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर। आगे पॉइंट दिया गया है ए हॉर्स एंड टू गॉड्स, एक अच्छा वर्क है इनका, ए हॉर्स एंड टू गॉड्स, सभी को समझते जाना, कहीं पर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बताऊंगा। ठीक है ना, मालगुडीज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, जी हाँ, इंडियन थॉट पब्लिकेशन, जी हाँ बिल्कुल, मास्टरपीस द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, गुड। ठीक है, तो अ हॉर्स एंड टू गॉड्स, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क, सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ये भी क्या है, एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरी का। एंड वाज इज नेक्स्ट बुक, ये उनकी अगली बुक है जो रिलीज की गई थी 1970 में, 1970 में इसको रिलीज किया गया था। ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग द कम्बा रामायणम टू इंग्लिश, ठीक है ना, इन्होंने कम्बा रामायणम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया, विच वाज पब्लिश्ड इन 1973, जो पब्लिश्ड की गई थी 1973 में। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर ऑफ वर्क, वर्क लिखने के 5 साल बाद इसको पब्लिश किया गया था। रिंकी साहब की गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। इन 1978 नारायण कंप्लीट अ कंडेंस्ड ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत इपिक महाभारत, ठीक है ना, एक संस्कृत ईपिक जिसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, वर्ल्ड फेमस ईपिक है महाभारत। ठीक है ना, इन्होंने इसको कंप्लीट किया, विच वाज पब्लिश्ड इन 1977, जो 1977 में पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, ही रिलीज एनदर बुक द पेंटर ऑफ साइन, उसके बाद में इन्होंने एक बुक और लिखी थी जिसका नाम था पेंटर ऑफ साइंस। सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा, एक भी टॉपिक नहीं बचेगा आज आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट, देखिए जब इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे तो गवर्नमेंट भी इनसे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टूरिज्म होता है, टूरिज्म जानते हैं ना, यानी कि पर्यटन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन्हें कमीशन भी दिया, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इन्हें कमीशन दिया और ये कहा कि टूरिज्म पर कुछ लिखिए। ठीक है ना, यात्रा वृतांत पर कुछ लिखिए, पर्यटन पर कुछ लिखिए। तो द कर्नाटक गवर्नमेंट कमीशन नारायण टू राइट अ बुक टू एनकरेज टूरिज्म इन द स्टेट, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के लोगों को टूरिज्म में प्रोत्साहित करने के लिए बोला कि टूरिज्म पर कोई बुक लिखी जाए और उसके लिए इन्होंने इसको कमीशन भी दिया। ठीक है,
और ये बात कब की है, ये बात है इनकी 1980 की। और द एमरेल्ड रूट बुक का नाम था द एमरेल्ड रूट, ये बुक इन्होंने लिखी थी जब गवर्नमेंट ने इनको कमीशन दिया था तब, ठीक है। और वाज रिटन इन 1982 ही रिलीज टू कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और 1982 में इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज के दो कलेक्शन जारी किए जिसमें था मालगुडी डेज। देखिए पहले इन्होंने मालगुडी डेज लिख दिया है, उसके बाद में फिर से लिखा था 1982 में, फिर से लिखा था मालगुडी डेज। ये क्या था, ये रिवाइज वर्जन था, ठीक है ना, ये रिवाइज वर्जन था। उस वाले में कुछ टॉपिक पहले तो थे ही, यहाँ पर इसमें मालगुडी डेज में पुराने वाले तो सारे टॉपिक इन्होंने शामिल किए ही, कुछ नए टॉपिक भी इन्होंने इसमें शामिल कर दिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है दैट इंक्लूड द ओरिजिनल बुक, यानी जो पहली वाली बुक थी वो तो इसमें पूरी की पूरी शामिल थी। सम एडिशनल स्टोरीज एंड अंडर द बनायन ट्री एंड अदर स्टोरीज, कुछ अलग स्टोरी थी जो इसमें जोड़ी गई थी, जैसे कि अंडर द बनायन ट्री और अदर स्टोरीज इसमें शामिल कर दी गई थी, यानी कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी इसमें जोड़ दिए गए थे रिवाइज वर्जन में। रिवाइज वर्जन आया था आपका 1982 में, ठीक है। आगे दिया गया है, नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट दिया गया है इन 1987 ही पब्लिश्ड ए राइटर्स नाइटमेयर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको नोट करेंगे, ठीक है। इन 1987 ही पब्लिश्ड अ राइटर्स नाइटमेयर, ये वर्क का नाम है, एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज, ये एक एसेज का कलेक्शन है। और कलेक्शन जो एसेज का है ये ऐसे किस चीज पर आधारित थे, ये एसेज आधारित थे किस पर, कास्ट सिस्टम पर, नोबेल प्राइज विनर्स पर, लस्ट एंड मंकीज, और कुछ अदर टॉपिक भी थे, ठीक है। सिंस 1958 ही हैड रिटन एसेज फॉर न्यूज पेपर, और क्योंकि वो 1958 से लगभग लगभग एसेज को लिखता चला आ रहा था, तो उन एसेज को लिखने के बाद में जो उन्होंने जर्नल शामिल किया था उसमें, वो ही सारे जर्नल्स इन्होंने इसमें शामिल कर दिए थे, अपना जो कलेक्शन लिखा था अ राइटर्स नाइटमेयर इसमें, ठीक है, नोट कर लेंगे। और राइटर्स नाइटमेयर में ही जो भी इन्होंने मैगजीन में लिखा था, न्यूज़पेपर में लिखा था, वो सब कुछ इन्होंने अपने इस कलेक्शन में शामिल कर दिया था, ठीक है, नोट करेंगे इस चीज़ को, ए राइटर्स नाइटमेयर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे दिया गया है हिज नेक्स्ट बुक द वर्ल्ड ऑफ नागराज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट करेंगे इस चीज़ को। हिज नेक्स्ट बुक द वर्ल्ड ऑफ नागराज वाज रिलीज इन 1990, इनकी अगली बुक है जिसको रिलीज किया है 1990 में, एंड इज आल्सो सेट इन मालगुड़ी, और ये इनके इमेजिनेटिव वर्क यानी कि मालगुड़ी में सेट किया गया है, इसका जो वर्क प्लेस है वो मालगुड़ी है। और ग्रैंड मदर्स टेल, इनकी एक और अच्छी रचना है जिसका नाम है ग्रैंड मदर्स टेल, ये क्या है, नारायण का फाइनल नोवेल है, आर के नारायण का फाइनल नोवेल, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1992, इसको पब्लिश किया गया था 1992 में, ठीक है, याद करेंगे, इसको 1992 में पब्लिश किया गया था। एंड दिस वाज एन ऑटोबायोग्राफिकल नोविला, नोविला के बारे में आप लोगों को हमने बताया था, नोविला इज अ शॉर्ट वर्क, नोवेल से थोड़ा सा छोटा होता है, नोवेल आपका बहुत बड़ा होता है लेकिन नोविला छोटा होता है, ठीक है ना, होता प्रोज में ही है, फिक्शन ही कहा जाता है, नोवेल के फॉर्मेट में होता है बट छोटा होता है, ठीक है। तो ये कैसा था, ऑटोबायोग्राफिकल था, ठीक है ना। अबाउट हिज ग्रेट ग्रांड मदर्स क्वेस्ट, और इसको लिखा कब गया था उसको भी समझ लीजिए, इसको लिखा गया था इनकी जो ग्रांड मदर थी, ठीक है ना, ग्रांड मदर के ऊपर उन्होंने लिखा था, और उन्होंने इनको एक एक्सपीरियंस शेयर किया था इनकी ग्रांड मदर ने अपने हस्बैंड के बारे में, कहने का मतलब इनके ग्रांड फादर के बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो शादी के कुछ दिनों बाद ही उनको छोड़कर भाग गए थे, ठीक है, ये एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था। तो इसी एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने क्या किया था, इस वर्क को लिखा था, ठीक है, ग्रांड मदर्स टेल को, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ग्रांड मदर्स टेल इज अ नोवेल एंड इट वाज रिटन ऑन द इंस्पिरेशन ऑफ हिज ग्रांड मदर बाय टेलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ व्हेन आर के नारायण वाज टू लिटिल दैट हिज ग्रांड फादर लेफ्ट हिम अवे, ठीक है, तब उनके जो ग्रांड फादर थे उनको छोड़कर भाग गए थे, ये एक्सपीरियंस उन्होंने बताया और उन्होंने इसको नोवेल में बना दिया, नोवेल नहीं नोवेला बना दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं आर के नारायण की फैमिली और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी इसके बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारे के सारे बहुत ही इमीडिएट तरीके से मैंने शामिल किए हैं। आर के नारायण वाज मैरिड टू राजम,
आर के नारायण की वाइफ का नाम था राजम, नोट करते जाएंगे साथ ही साथ सारी चीज़ों को, ठीक है। जो क्या थी, एक 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी और शादी हुई थी इनकी 1933 में, ठीक है। और इट वॉज अ लव मैरिज, ये क्या थी, ये एक लव मैरिज थी, नोट करेंगे इसको, इट वॉज अ लव मैरिज। एंड मेट राजम वाइल वैकेशनिंग एट हिज सिस्टर्स हाउस इन कोयम्बटूर। जब ये कोयम्बटूर में अपनी सिस्टर के घर पे रह रहे थे वैकेशन में, तभी उस लड़की से इनकी मुलाकात हुई और इनके बीच में क्या बोलते हैं उसको, बोल सकते हैं मतलब लव अफेयर शुरू हो गया, ठीक है, और इन्होंने शादी कर ली। आर के नारायण ओनली डॉटर हेमा नारायण वाज बॉर्न इन 1936। इनकी इकलौती बेटी थी जिसका जन्म 1936 में हुआ था और उसका नाम रखा था इन्होंने हेमा नारायण। नारायण इनका टाइटल है और हेमा उसका नाम था, तो उसका पूरा नाम हो गया हेमा नारायण। आर के नारायण की वाइफ थी राजम, उसकी जो मृत्यु हुई थी वो टाइफाइड से, ठीक है ना, 1939 में हो गई थी। आफ्टर दिस ही लिव्ड हिज एंटायर लाइफ एज अ विडोवर, बट ये एक पत्नी व्रता व्यक्ति थे और इन्होंने अपने जीवन भर किसी दूसरी महिला से शादी नहीं की और लाइफ टाइम एक विडोवर की तरीके से जिंदगी गुजारते रहे, ठीक है, लाइफ एज अ विडोवर। चलिए, विदाउट रिमेरिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ ए 3 ईयर्स, और इनके जीवन में, इनकी लाइफ में एक जिम्मेदारी हमेशा बनी रही। जो इनकी वाइफ थी, उनकी डेथ हुई थी तब इनकी जो बेटी थी वो 3 साल की थी, तो 3 साल की बेटी का भी पालन पोषण इन्होंने सेल्फ किया था और सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई थी और दोबारा शादी नहीं की, ठीक है। आगे चलते हैं, आर के नारायण से डॉटर हेमा नारायण डेड इन 1994, और आर के नारायण की जो बेटी थी उनकी मृत्यु हुई थी 1994 में, 1984 में, और उनकी जो मृत्यु का कारण था वो था कैंसर, ठीक है। आर के नारायण से ग्रांड डॉटर, यानी कि इनकी जो बेटी थी हेमा, ठीक है ना, इनकी एक बेटी थी हेमा, हेमा की एक बेटी थी भुवनेश्वरी, यानी कि इनकी कौन हुई, वो ग्रांड डॉटर। तो भुवनेश्वरी इज करंटली टेकिंग केयर ऑफ इज पब्लिकेशन, आज इनका जो पब्लिकेशन हाउस चल रहा है उस पब्लिकेशन हाउस की जो रखवाली, केयर टेकिंग और जो एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन जो चल रहा है वो भुवनेश्वरी के द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक है ना। और उसका नाम क्या था, इंडियन थॉट पब्लिकेशन हाउस, ठीक है ना, याद रखिएगा। नारायण वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन मैनी टाइम्स, यानी कि आर के नारायण की तबीयत खराब हुई थी उस समय पर, इनको हॉस्पिटल में सबमिट किया गया था, भर्ती किया गया था मई 2001 में, ठीक है। और इनकी मृत्यु से पहले, यानी कि जब इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, हॉस्पिटल में एडमिट कराने से कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले इनके माइंड में एक वर्क क्रिएट करने का आइडिया आ रहा था। ही वॉज प्लानिंग ऑन राइटिंग हिज नेक्स्ट बुक टेल अबाउट ग्रैंड फादर, वो एक बुक पर काम करना चाहते थे, उस बुक का नाम था अ टेल अबाउट ग्रैंड फादर, ठीक है ना। जस्ट आवर्स बिफोर ही वाज टू बी प्लेस्ड ऑन वेंटिलेटर, सिर्फ 1-2 घंटे पहले ही, इससे पहले कि वो उस कहानी को लिखना शुरू करते, उसके 1-1.5 घंटे बाद वो वेंटिलेटर पर पहुंच गए, ठीक है ना, जहां उनकी ऑक्सीजन वगैरह लगा दी गई और उसके बाद में उनकी हालत में कभी सुधार नहीं हुआ। एंड ही नेवर बिगेन टू राइट, और उन्होंने उस बुक को कभी भी लिखना शुरू नहीं कर पाया, मतलब वो बुक अधूरी की अधूरी ही बनी रही। एंड ही डिड नॉट इम्प्रूव एंड नेवर बिगेन द बुक, एट द एज ऑफ 94 ईयर्स ही डेड इन चेन्नई ऑन मई 13, 2001। तो आज की इस पूरी क्लास में मैंने आर के नारायण के हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को कम्प्लीटली फिनिश करा दिया है। अब बात बचेगी हमारे किसकी, आर के नारायण के जो वर्क हैं, वर्क के जो टैक्स होते हैं, टैक्स का मतलब जैसे स्टोरी है, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन है, हीरो हैं, करेक्टर्स हैं, इन पर जो क्वेश्चन आते हैं उनके क्वेश्चन बच गए, बाकी इनकी लाइफ की बायोग्राफी मैंने कम्प्लीटली फिनिश करा दी। तो अभी इसको कर लीजिए, अगली क्लास होगी उसके बाद में, यानी अब जो क्लास होगी इस पे, आर के नारायण पे, उसमें सभी क्या होंगे, इनके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्क हैं उन वर्क पर बेस्ड, यानी कि टैक्स पर आधारित क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो अब आर के नारायण की लाइफ हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, वीडियो समझ नहीं आई तो एक बार फिर से समझ लेना, और किसी तरीके की अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो डायरेक्टली कॉल कर लेना या ग्रुप में आप लोग मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में।